डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम सेल्स वेरिएंस किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम सेल्स वेरिएंस को, टोटल सेल्स वेरिएंस को टू टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। वन इज द सेल्स प्राइस वेरिएंस एंड अदर इज द सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। सबसे पहले तो आप ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि सेल्स प्राइस वेरिएंस की डेफिनेशन क्या है। जब हम सेल्स प्राइस वेरिएंस की बात करते हैं तो सेल्स प्राइस वेरिएंस की डेफिनेशन ये होती है कि डिफरेंस हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, डिफरेंट सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। सो इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस जो आपने सोची थी एंड एक्चुअल सेलिंग प्राइस। तो अगर एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस और एक्चुअल सेलिंग प्राइस में कोई डिफरेंस आता है तो अल्टीमेटली उससे एक वेरिएंस क्रिएट होगी। तो बजटेड सेलिंग प्राइस और एक्चुअल सेलिंग प्राइस का आपको डिफरेंस चाहिए। अब वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला हम ये बनाएंगे, सेलिंग प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला आप ये बना लें, द डिफरेंस बिटवीन बजटेड सेलिंग प्राइस, तो बजटेड एसपी माइनस एक्चुअल एसपी। ये डिफरेंस आपका वेरिएंस है और इसको क्वांटिटी सोल्ड से मल्टीप्लाई करें। अब क्वांटिटी सोल्ड आपको जो लेनी है वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, वो एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड लेनी। तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपका बजट वेरिएंस कितना है। फॉर एग्जांपल, एज्यूमिंग आपकी बजटेड सेलिंग प्राइस सवाल में दी हुई है 700 और आपकी एक्चुअल सेलिंग प्राइस आती है 600 की, तो आपका वेरियंस आया $100 और आपने 500 यूनिट्स एक्चुअली बेचे, तो $100 का वेरिएंस है। और ये $100 का वेरिएंस जब 500 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर बनता है 100 × 500, 50,000 का आपका वेरिएंस बनता है। अब आपको दूसरे फेज में ये आइडेंटिफाई करना है कि ये एडवर्स वेरिएंस है या फेवरेबल वेरियंस है। तो यहाँ पर आप ये देखें कि हमने एंटिसिपेट किया था कि हम एक प्रोडक्ट 700 का बेचेंगे, लेकिन एक्चुअली हमने वो प्रोडक्ट कम में बेचा। इससे हमारे प्रॉफिट के ऊपर नेगेटिव अफेक्ट पड़ेगा और नेगेटिव अफेक्ट ऑन प्रॉफिट मींस एडवर्स वेरियंस। तो रट्टा लगाने के बजाय अगर इसको इस कॉन्सेप्ट से समझा जाए कि प्रॉफिट पर अगर एडवर्स फर्क पड़ता है तो इसका मतलब ये एडवर्स वेरिएंस होगा, और प्रॉफिट पे अगर पॉजिटिव अफेक्ट पड़ता है तो इसका मतलब ये होगा कि ये फेवरेबल वेरिएंस होगा। सिमिलरली अगर एक और एग्जांपल में बात की जाए, तो फॉर एग्जांपल बजटेड सेलिंग प्राइस हमने एज्यूम की थी 600, लेकिन एक्चुअली हमने प्रोडक्ट सेल किया 650 का, फ़ायदा हुआ, 100 यूनिट्स हमने सेल किए एक्चुअल। तो अब यहाँ पर 50 का जो प्राइस का डिफरेंस आ रहा है ये वेरियंस है, इसको 100 एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास $5,000 का वेरिएंस है। अब ये वेरिएंस फेवरेबल है या एडवर्स है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हमने बजट किया था 600 में प्रोडक्ट बेचेंगे, लेकिन हमने प्रोडक्ट 650 में बेचा, तो हमें 5,000 का फ़ायदा हुआ एंड दैट फ़ायदा इज कॉल्ड फेवरेबल वेरिएंस। इस जरिए से आप सेलिंग प्राइस वेरिएंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इज अ डिफरेंस ओनली बजटेड सेलिंग प्राइस एंड एक्चुअल सेलिंग प्राइस, और इसको हम हमेशा एक्चुअल यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करके अपना वेरिएंस का टोटल आंसर फाइंड आउट करेंगे और एडवर्स और फेवरेबल को इजीली यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं।